नारायण नारायण, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। नारायण 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 का उद्घोष जहां, राम राम मधुर धुन वहां। ये आप हैं, ये आपका जीवन है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है, इसे जरा सा ध्यान से देख लीजिए ताकि हर हर को आप हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर सकें। जो कुछ भी आप देते हैं आपके खाते में जाता है और वही लौट कर कई गुना होकर आपके पास वापस लौटता है। ये व्यक्ति जो बारंबार आपको आहत कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आत्मचिंतन कीजिए कि आप किसको हर्ट कर रहे हैं, जो आपके खाते में जाकर इस व्यक्ति के माध्यम से आपको मिलता है। आप कई सारे समझिए, ए बी सी डी, हम कई सारे लोगों से जुड़े हुए हैं और ये व्यक्ति डी बी है जो आपको बारंबार आहत कर रहा है, जबकि आप इसको पूरा आदर सम्मान दे रहे हैं और मन में ये भाव कि हम तो इसका सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, फिर भी ये व्यक्ति हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तो ये निश्चित है आप बी के साथ तो अच्छा व्यवहार कर रहे होंगे पर डी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे होंगे, जो पद पैसा प्रतिष्ठा में कमजोर हो सकता है। आप इसको आहत करते हैं तो आपके खाते में हर्ट जाता है और कई गुना होकर इस बी के माध्यम से आप तक पहुंचता है। तो जो ही आप इसे आहत करना रोक देते हैं, खाते में जाना रुक जाता है, आपके पास आना रुक जाता है। इज इट क्लियर? अब जो लास्ट चीज बताई रखते हैं, अब जो अंतिम टेक्निक बता रहे हैं सिर्फ यही साथ में लेके जाइएगा, जो बहुत सारा आपने सुना वो छोड़ के भी जाएंगे तो चलेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे कारगर सिद्ध होती है चीज वो आपको पहुंचा रहे हैं। हम अक्सर क्या कहते हैं, रेड करें, कि ये इतना ज्यादा उल्टा सीधा मुझे बोलते हैं या मेरे बारे में बोलते हैं कि सुनकर मुझे हर्ट होता है। आप लोग इतने साइलेंट बैठे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग सुन रहे हैं। हाँ, तो जब ये व्यक्ति बोल रहा है ध्यान से सुनिएगा, ये उल्टा सीधा बोल रहा है और हम कहते हैं कि उल्टा सीधा बोलता है और हमें हर्ट होता है। ये जो उल्टा सीधा बोल रहा है ये भी एक एनर्जी है, ये नेगेटिव एनर्जी है, आपको इसे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है ना। ये इसने बोला, इसकी जगह आहत होने की बजाय आपको ये कहना है कि ये व्यक्ति मेरे कार्य के लिए, मेरा काम पूर्ण हो जाए इसलिए मंत्र उच्चारण कर रहा है। क्या बोल रहा है? ये तकनीक किसने किसने अपनाई है जरा सा प्लीज, बाकी लोग हाथ पीछे कर लीजिएगा। जिसने जब सामने वाला आपको हर्ट कर रहा था उल्टा सीधा बोलकर और आपने कहा कि सामने वाला व्यक्ति मंत्र उच्चारण कर रहा है मेरी विश पूरी होने के लिए, किसने ऐसा किया और काम सिद्ध हुआ? खाली इधर आके जरा मंच पर मेरे साथ छप्पन का लिफाफा ले जाए। बहुत सारे जन तुमने सुना ही नहीं, अंग्रेजी ने पहली बार सुन रहे हैं, सुना आनंद जी किया था क्या मंत्र उच्चारण? वाह, और बेनिफिट हुआ, बेनिफिट हुआ वही लोग
चलिए वेरी नाइस बस अजहान लिफाफा नीता जी बस हमको खाली प्रूव करना था कि यदि इन लोग हासिल कर सकते हैं तो आप लोग भी ये तकनीक अपना कर जीवन सवार सकते हैं बस अभी रुक जाइए थैंक यू वेरी मच थैंक यू धन्यवाद 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 समय रहा तो इनका एक्सपीरियंस भी सुनेंगे कि सामने वाले ने क्या कहा और हमने क्या सुना एक ही भाव रखना है कि सामने वाला मंत्र उच्चारण कर रहा है इसका आपको साइंटिफिकली भी बताते हैं तो जैसा समझ लीजिए जैसा नारायण नारायण एक बार जोर से तालियां बाजूले बदल के बैठा आपके लिए तालियां बज रही है थैंक यू वेरी मच ये समझो आपकी विश है जिसके लिए आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं है ना पर ये पूरी नहीं हो रही है या समय लग रहा है इसको पूरा होने में है ना इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कोई कर्म यहाँ पर मौजूद है हमारा है ना कोई ना कोई तो कर्म वहां पर है और हम लोग बोलते हैं निगेटिव एनर्जी कोई ना कोई वहां पर है जिसकी वजह से हमारी ये विश पूरी नहीं हो पा रही है तो हम लोग क्या कहते हैं कि कांटे से कांटा निकलता है सुना है ना अब यहाँ से जो वो बोल रहे हैं वो निगेटिव एनर्जी है आप जब कहते हैं कि ये ऐसा उल्टा सीधा बोलते तो मुझे हर्ट होता है तो ये एनर्जी सीधे आके आपको हर्ट करती है उसका उद्देश्य बन जाता है आपको हर्ट करना देखिए आप अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा कि एक व्यक्ति को आदत है बहुत जोर से चिल्लाने की है ना और परिवार का एक सदस्य बहुत हर्ट हो जाता है दूसरा कहता है कि मेरे को आदत है इनको आदत है बोलने की मैं एक से सुनता हूँ मेरे को परवाह नहीं है उस पर असर होता है क्या और जो कहता है कि मुझे हर्ट होता है ये बोलते हैं तो उस पर वो एनर्जी जैसा असर करती है अब ये जो बोल रहे हैं निगेटिव एनर्जी है यदि आपने कहा कि मंत्र उच्चारण कर रहे हैं मेरी इस विश को पूरी करने के लिए तो ये जो एनर्जी आई ये विश के यहाँ से हटा देगी आपके और आपकी विश फलित ग्रीन रेखा फलित होती चली जाएगी और आसान तकनीक बताते हैं और आपको इजी एग्जाम्पल देते हैं ताकि समझना आसान हो जाए क्योंकि शास्त्र हमें कई बातें हिडन वे से समझाते हैं जो व्यक्ति पकड़ लेता है वो पकड़ लेता है नहीं तो समझ नहीं पाता है मीरा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी वो रारा को नहीं पसंद था ये भी मालूम है ये भी मालूम है ना अंत में तंग आके राणा ने क्या किया विष का प्याला भेजा सबको मालूम है जो दासी विष का प्याला लेकर मीरा के पास आई उसको मीरा से अटैचमेंट था पर उसको तो ड्यूटी थी पकड़ने की उसको तो प्याला थमाना था है ना पर उससे कहा गया था कि मीरा को बताना मत ये विषय उसे पिला दे खत्म हो जाएगी है ना लेकिन उससे अटैचमेंट था तो उसने मीरा से कह दिया कि मेरी मजबूरी है आप तक ही पहुंचाने की पर है ये विषय आप ले जरूर लीजिए थाम लीजिए पर पीजिएगा मत मेरा काम तो वही भी पूरा हो जाता है कि मैंने आपके हाथ में दे दिया पर ये विषय पर रिसीव करते वक्त जिन्होंने भी इस कथा को पढ़ा है मीरा बाई ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का भी चारा और प्रसाद है मरी थी क्या वो
क्योंकि रिसीवर इज बिगर। किस भाव से लिया, अभी ये चाहे कुछ भी बोले, हमने इसे किस भाव से लिया है कि ये अमृत है, तो असर किस रूप में करेगा, इसके भाव से कि हमारे भाव से। तो ये मंत्र उच्चारण कर रहे हैं मेरे इस कार्य को सिद्ध करने के लिए। नारायण तेरा धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद। और आप पाएंगे कि आपके यश फलीभूत होंगे। सेकंड सबसे बड़ी चीज कि आप इसी जोन में रहेंगे। यदि आपने कहा उल्टा सीधा बोलते हैं और मैं हर्ट होती हूँ या होता हूँ, हम इस जोन में पहुंच जाते हैं। फिर इन चीजों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। और जो ही आपने कहा कि मंत्र उच्चारण हो रहा है मेरे इश्क को पूरा करने के लिए, और इमेजेज आप इस जोन में और इन चीजों को आकर्षित करने लगते हैं। एक सीनियर पर्सन ने, मतलब एज अंदाजन 70 साल की महिला होगी, उन्होंने हमसे एक दिन कहा कि सारा दिन बहुत सीखना सुनाती रहा है। बोला आपने और तो शब्द इस्तेमाल करने मना किया है, पर मैं इससे आपको बोल रही हूँ कि सारे दिन सीखना सुनाती रहती है, मैं क्या करूँ उसको, मैं लव यू लाइक की बोलती, पर वो तो सुनाती रहती है। फिर दूसरा बात में आगे बोलते बोलते बोले कि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। हमने बात को पकड़ लिया, हमने कहा अगली बार जब वो सीखना सुनाएगी तो आप बोल देना कि मंत्र उच्चारण कर रही है आपके पैर स्वस्थ करने के लिए, पैर स्वस्थ होने के लिए। यकीन मानिए व्यासपीठ पे से बोल रहे हैं, सिर्फ एक सीटिंग में उसके पैर ठीक हो गए। एक सीटिंग में, मतलब उसने बोलना शुरू किया, उन्होंने ऐसा विजुअलाइज कर लिया कि वो तो मेरे मंत्र उच्चारण कर रही है। एब्सोल्युटली फाइन, बोले मेरा तो एक ही डोज का कर उसका। चलिए, आप में से कितने लोग जिनको अपने प्रश्न का उत्तर मिला, खाली हाथ ऊपर करना। Very nice.